वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव फैमिनी आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक जो कि इंस्पायर्ड है हिमांशी खुराना से एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला मेकअप लुक है बिकॉज ये एक्सिडाइज ज्वेलरी एंड ब्लैक ड्रेस के साथ उन्होंने व्यवहार किया था एंड ये लुक जब अच्छा लग रहा था जब मैंने ये बिंदी लगाई थी ये महरून कलर की बिंदी है सो so, देख लेते दे हैं इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया आपको वीडियो पसंद आती है हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ गायर रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप डिफा पाएंगे सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है क्या सो फर्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम उसके लिए मैंने ली है पोन्स की लाइट मॉइस्चराइजर एंड यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्ट लेंस वेयर किए हैं जो कि मैंने न्यूली फ्लिपकार्ट से लिए थे अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो प्लीज़ गाइज़ आप चेक कर सकते हो ये वाला जो शेड है वो है ग्रे सो बहुत ही अच्छा शेड है इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है एंड बहुत ही प्यारा शेड है तो आप इस तरीके के शेड्स अगर डेली वेयर में भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया है ब्लू हेवन का जेल पेस्ड ऑयल फ्री प्राइमर लिया था अच्छे से प्राइम कर लिया है अपने स्किन को टेन टू ट्वेंटी सेकेंड्स तक के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए कंसीलर के लिए कैमियन का कंसीलर यूज़ कर रही हो आई एम एन दी शेड जीरो फाइव एक ब्रश की हेल्प से अपने आ, आईब्रोज को क्लीन करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको सेट कर लूँगी तो इसका कवरेज बहुत अच्छा है प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्टिक कर जाता है तो अगर आप इस तरीके के, के कंसीलर यूज़ करते हो तो आई मेकअप बहुत टाइम तक स्टे भी करता है एडियस का लग्जूरियस बनाना पाउडर ले रही हूँ अपनी आईलेट को सेट करने के लिए जितना ज़्यादा ब्राइट रखेंगे अपनी आईलेट को और मेकअप करेंगे आई मेकअप तो उतना ज़्यादा वो दिखेगा नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ये ब्राउ किट आई एम मिन देड जीरो टू डार्क ब्लैक शेड लेकर के एंगल ब्रश की से अपने आईब्रोज को फिलन कर रही इसमें बहुत ही हैवीली ब्लैक कलर की आईब्रोज फिलेन है एंड ये मेरा फेवरेट लुक है बट मुझे ज्वेलरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं क्या वेयर करूँ एंड मैंने लेंस भी लिए थे इनके प्योर हेजल शेड बट वो मेरे सारे टूट गए थे जिसकी वजह से मुझे न्यू लेंस लेने थे जैसे ही मैंने इस लुक को क्रिएट किया है सो so, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने हिलारी रिलोर का ये पिंक शेड वाला आई शेडो पैलेट लिया था बट मुझे पिंक नहीं मुझे ऑरेंज चाहिए था तो मैंने दूसरा पैलेट ले लिया था वो है वेड एंड वाइट का रोज इन द आई शेडो पैलेट एंड एक लॉन्ग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज को डिफाइन करूँ एंड इसको मैंने एज अ कैट आई मेकअप लाइक क्रिएट किया है थोड़ा सा विंगी आई शेडो मैंने अप्लाई करते हुए इसको अप्लाई किया है नेक्स्ट औरेंज शेड मैंने एक बहुत ही डार्क ऑरेंज ट्रांजेक्शन शेड को अप्लाई कर लिया एक small blending brush है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्थ से डार्क ब्राउन शेड लेकर के अपनी आउटी तो में फोकस करते हुए अच्छे से मैं ब्लैंड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक एंड टच दे बट एकदम ब्लैक भी नहीं था आई मेकअप आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइज एंड आई थिंक अभी तक मुझे आप फॉलो नहीं करो इंस्टा पे तो गो एंड uh, मुझे फॉलो करो इंस्टा पे क्योंकि मैं बहुत बहुत ही जल्दी विनर्स अनाँ करूंग अनाउंस करूँगी अपने गिव अवे के तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना होगा सो so, यस yes, यहाँ पे गोल्डन शेड लेकर के मैंने अपनी इनर इनोवी में अप्लाई कर लिया है एंड uh, लैशेस भी वेयर कर लिया है लैशेस हैं सी शीन की नेक्स्ट uh, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमी का इंस्टा लाइनर एंड विंग लाइनर हम लगाएंगे सो so, आगे से थिन रखा है बट क्लोज तक नहीं गई हूँ अपनी इनर इनोवी के मैंने सिर्फ बैंड को हाइड किया है यहाँ पर एंड थोड़ा सा आउटर वी में भी मैंने लगाया है नेक्स्ट यहाँ पे व्हाइट एंड वाइट का ये न्यूट काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से अप्लाई कर लिया है सेम ब्यूटी का ये एशिडो पैलेट लिया है उससे ये ब्लैक शेड लेकर के एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लेकिन एंगल ब्रश ही जिससे मैंने अपनी आईब्रोज फ्लैन की थी उसी ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी वाटर लाइन पर ब्लैक कलर को स्मोक आउट कर लिया है जो शेड मैंने अपनी आउटर वी के लिए डार्क ब्राउन शेड लिया था उसे ही सेम ब्रश की हेल्प से अपनी आउटर वी में मैंने अपने अंडर आई एरिया में जो है अच्छे से स्मोक आउट कर लिया था तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है मस्कारा मैंने ऑफ़ कैमरा अप्लाई किया था क्योंकि मेरी लैशेज़ इतने अच्छे से आज स्टिक नहीं हो रही थी आई डोंट नो क्यों दो बारी से मेरी लैशेज़ बिल्कुल भी अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही है एंड नायका की जो मैंने लैशेज ली थी वो तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है एक बार भी नहीं लगती मुझसे आई डोंट नो क्यों शीन की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एंड ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लैकमिक का फाउंडेशन आप देख सकते हो इसका कवरेज बहुत अच्छा है मेरा जो शेड है वो है नेचुरल शेल सो यस गाइस कुछ इस तरीके से मैंने अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ट्वेंटी समथिंग का ब्यूटी ब्लेंडर जो कि बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है ब्लू हेवन के बाद मुझे यही वाला ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ज़्य है एंड आपकी स्किन पर बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करता है जो कंसीलर मैंने कैमियन का यूज़ किया था वही कंसीलर मैं अगेन अप्लाई कर रही हूँ यूजली जहाँ भी मुझे डार्क सर्कल्स है पिगमेंटेशन है डार्क एरिया है मेरी स्किन का वहाँ मैं इसे अप्लाई कर लूँगी एंड अगेन मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ सो so, बहुत ही अच्छा कवरेज है इस कंसीलर का आप देख सकते हो नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा सा सेट कर रही हूँ सो so, फेस को सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एंड सेंस का कॉम्पैक ये येलो ये टोन्ड कॉम्पैक है सो so, अच्छे से अपने फेस को सेट कर लिया इट्स अ पाउडरी तो अगर आप लूज़ पाउडर लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं या ये, ये वाला भी ले सकते हैं अंडर आई एरिया को ज़्यादा अच्छे से, से सेट किया है मैंने नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सेम वेड एंड वाइट का रोज़ इन दियर आशे डो पैलेट इट्स अ ट्रांजेक्शन ब्राउन शेड ले करके एक ब्रश की हेल्प से अपनी नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ एंड ऑल ओवर फेस को अच्छे से मैं इस तरीके से प्राउंसअप कर लूँगी सो बहुत ही हेल्दी फेस uh, है पतला सा फेस है एंड मेरा फेस थोड़ा सा गोलू मोलू सा है तो मैंने बहुत ही हैवीली ब्राउजिंग की है नेक्स्ट मेकअप रेवल्यूशन का ये पैलेट लिया है फेस पैलेट है बेसिकली इससे ब्लशिंग uh, कर ली है सेम पैलेट से हाईलाइटिंग नहीं की मैंने इससे मैंने वर्ड एंड वाइट का ब्लॉसम ग्लो हाईलाइटर लिया था बिग फैन ब्रश की हेल्प से ऑल ओवर फेस को अच्छे से मैंने हाईलाइट कर लिया है एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया था ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है डालिंग एज की लिपस्टिक आई दी शेड जीरो नाइन ये बहुत ही परफेक्ट वाला शेड है मेरे काफ़ी सारे इंस्पायर्ड मेकअप लुक के साथ गया है ये वाला शेड एंड रैंडमली इस शेड को मैंने पिक किया था बट बहुत ही प्यारी लिपस्टिक से रिव्यू देखना चाह रहे हो तो कमेंट करके बता सकते हो यहाँ पर मैं तिल ड्रॉ कर रही हूँ आर्टिफिशियल तिल एंड यहाँ पर मैंने बिंदी अप्लाई कर ली है महरून कलर की बिंदी के बाद ये मेकअप कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक गाइस एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आपको लुक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड uh, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ हमारे टू के क्योंकि बहुत ही जल्दी क्रॉस होने वाले हैं एंड बहुत ही जल्दी मैं विनर्स भी अनाउंस करने वाली हूँ बहुत जल्दी तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा इंस्टा पे आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस स्टे ब्लेस बाय